नमस्कार, जय जवान, जय किसान। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ये दुआ करते हैं भगवान से, परमात्मा से, कि सभी अपने घर में सुरक्षित रहें। हमारे देश में कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रहा है, बातचीत करके समाधान हो जाएगा, होना भी चाहिए। बातचीत जो है वो समाधान है समस्या का। लड़ाई करना, युद्ध करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए और समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि आम जनता, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए बहुत सारे लोग हैं जो सभी त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि बातचीत करके समाधान हो सकता है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, कुछ समय पुरानी बात है। हमारे ही देश के एक राज्य में 18 महीने तक इतनी समस्या रही, उनसे भी तो बातचीत करके समाधान हो जाता। उनकी जो बातचीत करने के संसाधन थे, मोबाइल फोन, नेट तक वहां बंद कर दिए गए थे, लोग आ जा नहीं पा रहे थे। कि हमारे ही देश के एक राज्य की बात मैं आपको बता रही हूँ, और उन लोगों को बता रही हूँ जो कह रहे हैं कि समस्या का समाधान बातचीत करके हो जाएगा। हम भी कहते हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो ज्ञान देने चले हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि अपना ज्ञान थोड़ा सा ठीक कर लो। जब अपने देश की बात आती है, अपने देश के किसी प्रदेश की बात आती है, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला जा रहा है, तब आप क्यों नहीं बोलते हो? अब आप बोलते हो क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को आदत है दूसरे की थाली में झांकना और झांक के फटाक से कूदना, और वो वही कर रहे हैं। क्योंकि जब देखा था आपने, इतनी परेशानी थी, इतनी समस्या थी, बातचीत तो तब भी हो सकती थी ना, बिल्कुल। लेकिन इनको नहीं पता, ये दूसरे को चले हैं अकल समझाने के लिए, लेकिन इनकी अकल तब कहाँ चली जाती है जब अपने घर की बात आती है। अपना घर इनसे संभलता नहीं, अपना देश इनसे संभलता नहीं, दूसरे को बुद्धि देने के लिए ये चल देते हैं। यही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, हमारे देश में ऐसे भी और बहुत सारे भरे पड़े जो दूसरों की फटाक से कूद जा रहे हैं। लेकिन ये समस्या ये बड़ी नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ी है कि हमें आगे बिल्कुल सुधार करना है। उस समस्या का समाधान हमारे ही पास में है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और मैं बिल्कुल आंखें रोक करके फेसबुक पे, मीडिया में मैं बैठी हुई हूँ कि कब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी वो गोल गोल आंखें घुमाएंगे जिससे कि चाइना डर करके हमारे देश से भाग जाएगा। कैसे भी करके आप चाइना को हमारे देश से भगाओ। 650 घर बन गए पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत सुने थे भाषण, गृह मंत्री जो है उनके अलग भाषण आ रहे थे, राजनाथ जी के अलग भाषण आ रहे थे पिछले दिनों, जब हम बॉर्डर पे बैठे आंदोलन कर रहे थे, तो चाइना के ऊपर उनके भाषण, कोई कहता है कि घुस गए, कोई कहता नहीं घुस गए, लेकिन वो क्लियर हो गया कि 650-700 घर चाइना ने हमारे देश में बना लिए। तो क्यों आप उनको नहीं बोल रहे हो? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में घुसने की? क्या कर रहे थे आप सब लोग? ये सवाल इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपके पास पावर है, सब कुछ आपके पास है, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, अपने देश के प्रति बोलूंगी और बोलना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, यूथ से भी, कि आप बोलें, पूछें, हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में घुसने की? और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, अब कहाँ गए? बात करना तो दूर की, ये लोग उधर लखा भी नहीं रहे, ये लोग बोल तक नहीं रहे। मैं आंखें ही नहीं देख रही, मैं इनकी जुबाने भी देख रही। जब चाइना के नाम पे कोई बात हो, सभी बोलते हैं कि हमारे देश को ये होना चाहिए, हमारे देश में से ये चीजें हटनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है चाइना के नाम पे। क्यों ऐसा? हमारे जो जवान भाई हैं वो अपनी शहादतें भी देते हैं और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ? आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आप क्यों शांत बैठे हुए हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब बोलें। चाइना के ऊपर दो शब्द बोलिए महोदय, इंतजार कर रहे हैं आपका। देश की जनता, युवा, जवान, किसान, सभी लोग, विपक्ष भी इंतजार कर रहा है कि आप कब बोलेंगे, लेकिन नहीं, फिर भी हम इंतजार करते रहेंगे क्योंकि आपको हमने वोट दिया, जनता ने वोट दिया, हमारा हक है आपसे सवाल करने का। और दूसरे के कटोरे में झांकने से पहले अपनी समस्या सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, अपने देश को सुधारिए, तब दूसरे का भला करने जाना। मेरा अनुरोध है कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे भाई बहन हैं जो फंसे हुए हैं, मैं देख रही थी बहुत सारी चीजें, उनको जल्दी से जल्दी बुलाइए,
और हमारे देश को चाइना के जो घर बसे पड़े हैं उनसे निजात दिलाइए, छुटकारा दिलाइए, उन्हें भगाइए, कुछ भी कीजिए, बाद में कहीं और ताका झांकी कर लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना ताकि कुछ हमारे देश की जो सरकार है कुछ करे, कुछ बोले चाइना के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोले, कुछ बोले गृह मंत्री। अनुरोध है वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको लगे कि हाँ मुझे बोलना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी को वो समझे कि वो बोले। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, पंडित पूनम 609, मुझे वहां भी फॉलो कीजिएगा। और मुझे फॉलो कीजिएगा ट्विटर पर @PoonamPandit_INDNonSpace। और तब तक हकों के लिए आवाज उठाते रहिएगा, हकों के लिए आवाज उठाना। आप इस देश के हो, हम अपने देश के लिए बोलेंगे, अपने देश के हित में जो बात होगी वो सब करेंगे। जो हमें दिख रहा है, जो हमें फिलहाल चीजें दिख रही है, उनके लिए हम जरूर बोलेंगे जो हमारे देश हित में होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।